मैं यहाँ पे आज आपको अपने एयरपोर्ट जो उसका मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका सब प्रोसीजर को एक्सप्लेन करूँगी, दैट मैं कैसे गई एंड मेरा मतलब मेरा सिलेक्शन फाइनल हुआ नहीं है बट आई होप हो जाए। तो पर जो एक्टिविटी मैंने देखी, जो एक्टिविटी वहाँ पे हुई, उस सब में मैं क्लियर हूँ और वो सब मैं आपको साथ एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे तो जो एक्सपीरियंस था मेरा, तो एक्सपीरियंस तो थोड़ा टफ था बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था एंड जो पहले मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद मेरा पेपर जैसे जैसे क्लियर हुआ तो फिज़िकल आया। फिज़िकल की डेट में मुझे थोड़ा बर्डन था क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर था ऑलरेडी, तो मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी फिज़िकल के लिए। बट द पर्सन जिसने मेरे को पीछे से सपोर्ट किया, एक तो मेरे सर थे डिफेंस वाले जो गुरुकुल डिफेंस अकेडमी लाडनू के हैं, दूसरी मेरी एक दोस्त है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके साथ आना जाना उसका उतना कुछ मतलब वो था ना, उसको इतना रोल नहीं था बट वो मेरे लिए डिफेंस आती, मेरे को ना एक्सरसाइज कर, जब सर एब्सेंट रहते तो उस एब्सेंट में मुझे जो कराने वाला था वो मेरे ये थी, मेरी जो दोस्त है वो थी। एंड जो फर्स्ट अपन को पता है PFT होता है फिज़िकल, जो सुबह 4 बजे से एनरोल स्टार्ट होता है उसका और शाम के 7:30 बजे तक ऑलमोस्ट चलता है वो, क्योंकि पहले आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका वो जो शीटअप स्क्वाट्स जो आपके हैं PFT के अंदर वो होते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा बिठाया जाएगा, फिर उसके बाद आपके GD के लिए आपको प्रिपेयर 10-10 का बैच ना कि GD के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। आफ्टर डैट आपको थोड़ी देर बिठा के रखेंगे जिसके बाद आपको बताएंगे कि GD के अंदर क्या मतलब GD का रिजल्ट अनाउंस होगा ऑलमोस्ट 5:30 से 6 बजे के बीच में GD का रिजल्ट अनाउंस होता है। उसके बाद वो आपको रिजल्ट अनाउंस के बाद आपको पूरे मेडिकल का प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे मेडिकल में आना है, क्या क्या जो आपको प्रिपरेशन है पहले से करके आनी है वो सब आपको मेडिकल बताते हैं उससे, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन के बीच बीच में आपको मेडिकल वो करा देते हैं। एंड मेडिकल के अंदर भी वही टाइम है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7:30, अगर बैच अगर काम स्लो चल रहा है तो 9:30 बज सकते हैं बट ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे तक वो फ्री कर देते हैं। मेडिकल का प्रोसीजर भी थोड़ा टफ था क्योंकि वही वहाँ पे पेशेंट्स लेवल चेक करते हैं इंसान का, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है बैठे बैठे वहाँ पे कितनी देर बैठा रहेगा। एंड फिर जो जो लंबे सफ़र से आते हैं जैसे जिनका सेंटर आउट ऑफ स्टेट वाला थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद मेरा था वो मुझे मेडिकल के लिए वापस अपील भी करना पड़ा क्योंकि एक मेडिकल पॉइंट था मेरा, उसके लिए मुझे रीअपील करना पड़ा। और उसके लिए भी मैंने मेरे सर, मैं तो रीअपील नहीं करी थी बट वो मैं सर ने मेरे को कहा कि रीअपील करो, अच्छा है एक ही मेडिकल पॉइंट है इतना मतलब अच्छा पॉइंट है तो कर लेगी क्लियर कर, तो मैंने उसके लिए मैं रीअपील भी किया। रीअपील के बाद मेरा अभी परसों 3 सितंबर को मेरा रीमेडिकल था और वो रीमेडिकल मेरा होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया और अब मेरे को ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है और अब आई होप कि मेरा मेरिट के अंदर नाम आ जाए और वो जो PSL होगी 14 नवंबर को रिलीज़ होगी और एनरोलमेंट लिस्ट होगी 28 नवंबर को। 28 नवंबर के बाद ही पता लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। बट जो भी एयरफोर्स से तैयारी करना चाहता है बी प्रिपेयर, 18 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम भी है